अगली खबर जयपुर के चाकसू से, जहां पर जी मीडिया की टीम पर हमले का मामला और पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 7 बदमाशों को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 1 दिन के पीसी रिमांड पर सौंपा है। वहीं एक नाबालिग जिसे निरुद्ध किया गया था उसे बाल संप्रेषण गृह भेज दिया गया है। लाकावास डैम पर कवरेज के दौरान जी मीडिया की टीम पर बदमाशों ने हमला किया था। जी मीडिया की टीम के साथ बदसलूकी की थी। हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता अनूप और हमारे कैमरामैन के साथ बदसलूकी हुई थी। हालांकि फिर भी वो डटे रहे और उन्होंने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट हम तक पहुंचाई। चाकसू SHO कैलाश दान ने इस बारे में जानकारी साझा की है कि लाकावास डैम पर कवरेज के दौरान जो जी मीडिया की टीम के साथ बदसलूकी हुई, उस मामले में आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई। 7 आरोपियों को 1 दिन के पीसी रिमांड पर, तो वहीं एक नाबालिग को निरुद्ध करके बाल संप्रेषण गृह में भेज दिया गया है। मेरे सहयोगी विष्णु मेरे साथ जुड़ गए हैं। विष्णु, धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन एक्शन लिया जा रहा है, 1 दिन के पीसी रिमांड पर भेजा गया है। क्या पूछताछ में अब तक ये पता लग पाया कि हमला किया क्यों? क्या दिक्कत है जी मीडिया के कवरेज से? क्या दिक्कत है अनूप से? बिल्कुल अभी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आरोपी थे वो वहां स्नान नहा रहे थे और इसको लेकर जी मीडिया ने जब ये दिखाया था, उन्होंने हालांकि उस दौरान कोई बात बताई, लेकिन बाद में आपत्ति जजरती आई कि वहां महिलाएं नहा रही थी, तो पुलिस कर्मियों ने भी जवाब दिया कि सार्वजनिक स्थान था, आप लोगों को इस तरह नहाना ही नहीं है, और आप अगर था तो घर में जाके नहाते। लेकिन ऐसा कोई दृश्य था भी नहीं जिसमें दिखाने का था। हालांकि वो बहाना बना रहे हैं, लेकिन अब पुलिस ने उनसे रिमांड लिया और रिमांड के बाद अब पुलिस उनसे जो माइक आईडी और अन्य जो लूट का जो सामान उन्होंने छीना था मीडिया कर्मियों से, उनको बरामद करने के लिए उन सबका रिमांड लिया है और अब उन सबसे पूछताछ की जा रही है कि वो जो उन्होंने जो सामान चुराया लूटा था वो कहाँ भेजा और किस तरह से उन्होंने किया। बता दें कि जो आरोपी थे उनमें अदीब आलम था, मोहम्मद कैफ था, मोहम्मद नदीम, और इसके बाद शाहिद, मोहम्मद सवाले, मोहम्मद फुरकान वो, और मोहम्मद सुमाल, और एक जो आरोपी है वो बाल आरोपी था, उसको निरुद्ध करके यहाँ जो वहां भेज दिया बाल सुधार के दमे। इसके अलावा बाकी आरोपी है उनको यहाँ 1 दिन के रिमांड पर लिया। अब उनसे पूछताछ की जा रही है कि जो आईडी है वो कहाँ चली गई या और अन्य जो सामान गायब हुआ वो कहाँ है, मारपीट आखिरकार उन्होंने क्यों की, लगातार एक मोब पूरी जो भीड़ चली एक साथ, वो इस तरह का कुछ था ही नहीं, उन्होंने कुछ इस तरह का दिखाया नहीं। मीडिया आया, कवरेज कर रहे थे, जन जागरण का काम कर रहे थे, ये पुलिस ने भी कहा और उन लोगों को भी बाद में कहा। हालांकि लगातार इस बात को लेकर वहां जो स्थानीय लोग हैं उनमें भी आक्रोश बना हुआ है, क्योंकि बड़ी संख्या में दूसरी जगह से जो लोग थे जो आए थे मारपीट करने वो जयपुर और आसपास के इलाकों के थे। वहां से बड़ी संख्या में जो लोग हैं संप्रदाय विशेष के वो वहां जाकर नहाते हैं उस गंदे पानी में, और उसको लेकर ऐतराज आसपास के लोगों को भी है। जैसा कल भी बात हुई थी, आज भी बात हुई है, जो आसपास के लोग वो भी इस बात से ऐतराज उठाते हैं कि इस तरह से बड़ी संख्या में लोग आते हैं और न्यूसेंस फैलाते हैं, और इसी बात को लेकर भी जो था। हालांकि जी मीडिया का इस बात से कोई सरोकार नहीं था, वो केवल ये दिखा रहे थे कि जो ओवरफ्लो बांध हो रहे हैं वहां लोग किस लापरवाही से नहा रहे हैं, और यही बात यह दिखाई थी कि अगर कोई हादसा हो जाता है, क्योंकि वहां पर कोई पुलिस कर्मी तैनात नहीं था या अन्य कोई प्रशासन का आदमी तैनात नहीं था या कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ था, तो ऐसे में उन्होंने वहां ये दिखाना चाह रहे थे कि क्या इस तरह की लापरवाही जान पर गंभीर जानलेवा बन सकती है, क्योंकि अभी पिछले दिनों के दौरान उसी चाकसू में वहां 1 जने की डेथ हो चुकी है उसी जगह जहां बांध बताया जा रहा है। इसके अलावा चाकसू में 3 अन्य लोग बह गए थे और यहाँ काड़ोता में बांध में भी 3 लोगों की डूबने से मौत हो गई थी। तो इसी बात को अवेयरनेस करने के लिए जो मीडिया कर्मी है वो कवरेज कर रहे थे, और इस दौरान ये लोग आक्रोशित हो गए और उन्होंने मारपीट शुरू कर दी, और किसी तरह बिना बातचीत के लगातार मारपीट शुरू करते हुए उन्होंने ये कृत्य किया। और अब आज उनकी जो गिरफ्तारी हुई, कल अभी कुछ और मुलजिम है जिनको पुलिस लेके आएगी, क्योंकि आइडेंटिफाई कर रही है, इन आरोपी से पूछताछ भी कर रही है कि इनके साथ और कुछ लोग और कौन थे, क्योंकि जब भीड़ थी 25-30 लोगों की थी और उसका एविडेंस भी पुलिस के पास भिजवा दिया, पहुंचा दिया है। अब पुलिस उसके आधार पर पूछ रही कि ये लोग और कौन थे, इनके साथ साथ और कौन थे मुख्य मुंजिम के और इनके साथ, तो उनसे पूछताछ के बाद उन नए आरोपियों को भी सामने लेके आएगी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु।